साहब, बस ये है वो जगह, ये। नवंबर 1947 को कबायली कश्मीर पर हमला कर चुके थे। मुझे एक सीक्रेट मिशन के लिए मोर्चे पर भेजा गया था। रास्ता दिखाने के लिए 2 गाइड मेरे साथ थे। ऑर्डर्स के मुताबिक मैंने दुश्मन के करीब पहुंचकर यूनिफॉर्म उतारा और सिविलियन पहन लिए ताकि पहचाना न जाऊं। आदाब। मैंने कहा सलाम। मैंने कहा साहेब आपने कपड़े क्यों बदले, आप उस मिलिट्री लिबास में बहुत हसीन लगते थे। ठीक कहती हो बहन, फिर आप शाम को कब मिलेंगे? अरे उल्टा राम सीधा राम, आप लोग कहाँ गए? मैं हूँ उल्टा राम। तो उल्टा राम और सीधा राम है। लेकिन ये बुर्का किस पूछे? पाशा ये मेरा आइडिया है, क्योंकि हम जानते हैं ये कबाइली लोग औरतों पे हमला नहीं करते हैं। ड्रेस पहन लो। लेकिन ये गलत फहमी आप लोगों को कैसे पैदा हो गई? अच्छा तो मेरे गाइड दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा यहाँ तक साथ दिया। बाय बाय गर्ल्स, जा रहे हो? डॉक्टर जी हो अब तो दे दीजिए वो कागजात। क्यों रे दुनीचंद, एक लड़की बेचने के बाद भी तुझे सब्र करना नहीं आया? छुरी तले दम तो ले, शादी की रस्म पूरी अदा हो जाए, लड़की डोली में बैठ जाए, जब तो मकान के कागजात ले लेना। चल चल उधर बैठ। अरे कन्यादान नहीं करेगा, चल चल उधर। मेरी चाची जी मुझे दुल्हन की तरह सजाकर वेदी की तरफ ले जा रही थी और मुझे यूं लगा था कि वो मुझ जीती जागती को चिता की तरफ ले जा रही थी। ये शादी नहीं बर्दा फरोशी थी। मैं 15,000 रुपये में बेची जा रही थी, वो भी एक ऐसे इंसान के हाथ जिससे जान पहचान या प्यार तो एक तरफ, मुझे बहुत गहरी नफरत थी। मेरे होने वाले पति ने कुछ ऐसी बेहयाई से मुझे देखा कि मैं झटक के रह गई। पास ही मेरे ताया जी खड़े थे, लेकिन मजबूरियों के बोझ से दबे हुए उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। क्या होगा? पिताजी तुम चुप रहो, जल्दी से गहना उतारो, जल्दी से गहना उतारो, वरना तुम हम सबको मरवा दोगी। जल्दी करो, जल्दी करो गहना। हाँ हाँ उतारो, लाओ 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 गहने मुझे दे दो, भागो। जी बहन खाना चलती, बस भागो भागो। आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा भागो, बस भागो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम अपनी जान बचाओ, मुझे अपनी जान बचाने दो। छोड़ के बाबा छोड़ो ना, तुम अपनी जान बचाओ बचाओ बचाओ। मैं उस वक्त अगर दुल्हन की तरह सजी हुई बाहर निकलती तो हर खतरे की नजर कोसों दूर से एक मुझे पर पड़ती। मैंने जल्दी से अपना पुराना लिबास पहना। मकानों में आग लग रही थी, किसी न किसी तरह मैं आंगन से बाहर आई। मेरी उस वक्त कौन मदद करता? किसी को एक दूसरे का होश न था। मैं सहमती लरसती दीवारों की आड़ में छिपती आबादी से बाहर निकली। दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी थी, इंसानों ने मेरा साथ छोड़ दिया, शायद जंगल में मुझे पनाह मिले।
बात मान जाओ, ये ठीक कहता है। क्या मतलब? ये कहता है आगे मत जाओ। ये तुम्हारा कुत्ता है? ये तुम्हें कुत्ता नजर आता है क्या? तो फिर? अरे ये तो शेर का बच्चा है, शेर का। इसका नाम भी शेर हुआ है। अच्छा, इसको रास्ते से हटा दो ना। क्यों, कहाँ जाना है? एक आदमी बेहोश पड़ा है, शायद उसकी जान खतरे में है। पहले ही क्यों नहीं बता दिया? हम तो हकीम के बाप बैठे हैं। चलो चलिए। क्या बोल रहे? इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। काफी जाए, तुम भी अनाड़ी लगती हो। अरे भाई, जिस चीज का इलाज ना हो उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चलो कल सुबह देखेंगे। काफी मजबूत आदमी दिखता है। रात भर में कुछ नहीं होगा क्यों भाई शेरू? सुबह तक बुखार उतर जाएगा ना। अरे बोल, अरे बोल ना। देखा मैंने क्या कहा था? आशा, मेरा नाम आशा है। ये कौन सी जगह है? किसी का घर, ये नीचे गोदाम है। गोदाम? यहाँ कैसे आ गया? मैं ले आई हूँ। हम यहाँ छुपे हुए हैं, चारों तरफ कवाली है। कवाली? जख्मी हो जाने पर मैं आपको यहाँ ले आई। मैं जख्मी कैसे हो गया? हमारी जान बचाते वक्त। मैंने कब तुम्हारी जान बचाई? आपको याद नहीं? आपने हमें कबाइलियों से बचाया। कबाइली कौन है? वही लोग जिन्होंने कश्मीर पे हमला किया। में हो? हाँ, ये बारामूला है।
मैं यहां कैसे आ गया? कहां से आ गया? कहां से आ गया? दो दिनों से कुछ नहीं खाया, आप बहुत कमजोर हैं। खाने से ताकत मिलेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लो, थोड़ा सा खा लो। फेंक दो ये खाना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बताओ मैं कौन हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम कह रही थी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम जरूर जानती हो कि मैं कौन हूँ। बताओ मेरा नाम क्या है, बताओ मेरा नाम क्या है। तुम छुपा रही हो, तुम नहीं बताना चाहती हो। तुम क्यों छुपा रही हो? बताओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बताओ, बताओ, बताओ। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आशा, मुझे ना छोड़ना, मुझे ना छोड़ना। आशा, मैं वो इंसान हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं। किसी घर, किसी जमीन, किसी धरती से मेरा कोई रहता नहीं। तन्हाई के इस फैले हुए सहरा में अगर मुझे कोई जानता है, मेरी आवाज को कोई पहचानता है, तो सिर्फ तुम। अच्छा, मुझे ना छोड़ना, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पापा, क्या सोच रही हो? मेरी वजह से इनकी ये हालत हुई कि वो अपना सब कुछ खो बैठे, अपनी याद भी, और मैं सामने बैठी हुई इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन पापा, सुनील अगर उन दो डॉक्टर लोग हैं, वो इन्हें ठीक नहीं कर सकते। पता नहीं अब्दुल्ला, शायद कर सके, लेकिन हमें अभी कुछ करना चाहिए। इनके लिए हर नया दिन और भी घबराहट लाएगा, हर रात और भी परेशानी, और ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। अब्दुल्ला, श्रीनगर पहुंचने तक हमें किसी न किसी तरह इनका दिल जरूर बहलाना चाहिए, वरना ये तो पागल हो जाएंगे। Thank you.
ये ख्याल आया। क्या पापा? ये हारमोनियम जादू कर सकता है। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है। मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूरा न जाए, लगू झूमने में सुरूरा न जाए, सुरूरा न जाए।
बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या ये मेरे समझ में ना आए बहुत शुक्रिया ऐसे क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? जिंदगी कैसे कटेगी, इसका अंत क्या होगा? अच्छा ही होगा, मैं आपको श्रीनगर ले जाऊंगी, वहां किसी अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगी। चंद ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगे और आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। चले गए पापा, उन्हें तो रास्ता तक नहीं मालूम। कहीं वो कबाइलियों के हाथों में ना आ जाए, चलो उन्हें तलाश करें, अभी तो वो नजदीक ही होंगे। कमाल के आदमी, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आराम से बैठे। आपको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। क्यों, आपको श्रीनगर नहीं जाना? श्रीनगर मेरे लिए श्रीनगर और इस जगह में कोई फर्क नहीं है। अगर श्रीनगर जाकर हमें अलग होना है, बेहतर यहीं से अलग हो जाए। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी, हमारा एक दूसरे के साथ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरा? अजी खतरे की तुम्हें आदी हो गई, यहाँ तो चारों तरफ खतरा ही खतरा है। लेकिन ये खतरा कुछ और ही है, ये खतरा है तुमको मुझसे और मुझको आपसे। मुझसे क्या खतरा है आपको? तुम एक शरीफ लड़की हो और मैं एक बेनामो निशान आदमी। तुम बहुत खूबसूरत हो और खतरा ये है कि कहीं मुझे आपसे इश्क ना हो जाए। वाह, ये इश्क भी कोई बुखार है जो एकदम से हो जाए? अजी साहब, ये इश्क विश्क के चक्कर से निकल जाइए, इश्क करना कोई आसान बात है? पहाड़ों को चीर कर दूध की नहरें निकालनी पड़ती हैं,
तब जाके आदमी फरहाद बनता है। सर फोड़ना पड़ता है, लैला के पीछे भागना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, तब जाके आदमी मजनू बनता है। आप इसे भूल जाइए। ये सब सही हो सकता है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। कह जो दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अब्दुल्ला, ये क्या कहता है? ये कहता है हम भी नहीं जाएंगे। कमाल है, कमाल है, कमाल। अब क्या कहता है? अब ये कहता है कमाल है। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत है। अब क्या कहता है? अब ये सिर्फ भौंकता है। चलता हूँ, लेकिन याद रखना हमारा यूं मिलना अच्छा नहीं। क्यों? आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इजहार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, मैं मोहब्बत की राहों से अनजान हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। आपकी ये परेशानियाँ देखकर मेरा दिल भी परेशान हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादू।
बैठ गया था। अरे जा जा, मैंने तो उसे माफ कर दिया था। कुछ मर्द का आवाज मालूम होता है। ओ खंजीर का बच्चा, खुचाम को उल्लू बनाया। अरे वो खान का बच्चा कहीं मेरे सामने आ जाए, मैं उसका कचुंबर निकाल दूं। कचुंबर, उसने ये मेरे डोले नहीं देखे। दी सॉलिड मसल्स ऑफ माइन, मैं उसको मुक्का मार के मैं उसका चूजा बना दूं। उसका चूजा, उसकी मूछें उखेड़ के हथेली पर रख दूं, उड़ा दूं उसको तोप से, तोप से। बेटे चले हैं हुक्का पीने। अरे पूछो, तेरे बाप ने कभी हुक्का पिया था? उल्लू का पट्टा क्या है, क्या है ये शूशू क्या करता है? मैं कोई इस खान के बच्चे से डरता हूँ? दैट स्मॉल इडियट गबनचू। अरे वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी चटनी निकाल दूं, उसे मच्छर की तरह मसल दूं। क्या कहा? पकड़ लो इन खबीस के बच्चों को। हम वो नहीं है, हम वो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा था। सेब का निशाना बनाओ। सेब उड़ेगा, हम तुमको आजाद कर देगा। बहुत अच्छा। तुम्हारे दोस्त को गोली लगेगा, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। हमको क्यों? लो बंदूक। बंदूक? बंदूक हमारे बाप ने कभी देखी नहीं, हमने कभी देखी नहीं, हमने इसका आवाज भी सुना नहीं। तुम हमारा मुंह चुखेड़ेगा? हमने हमने वो लेकिन तुम औरत बनकर हमारा तौहीन किया। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी मुंह उखाड़ दूंगा। खामोश खामोश, सीधा खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो। ले बंदूक, बंदूक उड़ाओ। सेब सेब उड़ाओ। अच्छा भैया संभालना भैया। राम राम राम। सेब साहब, खान साहब गायब, अभी हमको आजाद कर दो। ऐसे नहीं, गोली से। गोली से? अच्छा चलाओ। मैं नहीं, तुम चलाओ। मैं चलाऊंगा तो बेचारा मर जाएगा। गोली चलाओ मैं बोलता हूँ। अच्छा उल्टा राम, अरे सेव नहीं नजर आ रहा है, उल्टा राम तू ही नजर आ रहा है। अच्छा बाबा संभालना। एक दो तीन है, सेव गायब, अभी हमको आजाद कर दो। सेव गायब, दूसरा रखो। अरे काय को तकलीफ करते दूसरा रखने की। चलाओ चलाओ गोली चलाओ। एक दो तीन लगाओ उस्ताद। हाँ मुझ पे गोली चलाता है। यहाँ ना फल है ना और कुछ, जानवर कैसे जिंदा रहते होंगे? एक दूसरे को खाकर। और इंसान? इंसान एक दूसरे की सूरत देखकर। क्या है बे? सूरत देखकर तो आपका पेट भरता होगा, यहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो कुछ करो ना। सोचा आप लोग इधर जाइए, हम दोनों इधर जाते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चला शुरू। क्या हो गया तुम्हें?
मैंने कहा था ना प्यार हो जाए। क्या प्यार यही सिखाता है कि तुम मुझे शिकार समझो? नहीं, मैं भी तो तुम्हारा शिकार हूं। छोड़ तू मेरा हाथ। नहीं आशा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूं। मुझे कितनी बार कहना होगा कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती? और मुझे कितनी बार कहना होगा कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी? पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं अपने ख्यालों और अरमानों के रास्ते पर तुम्हारे साथ बहुत दूर आ गया हूं। अब मेरे लिए यहां से लौटना नामुमकिन है। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुम पर पूरा अख्तियार है। मुझे नहीं आशा, जाने दो। तुम मेरी हो आशा। मैं क्या तुम? तुम मेरी हो आशा। जाने दो। तुम ठीक कहते थे, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। पापा, पापा, कहाँ जा रही हो? श्रीनगर। भाई साहब को छोड़ने जा रही हो? मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे भाई साहब से। पापा नीचे उतरो, खुदा के लिए नीचे उतरो। तंग मत करो अब्दुल्ला। पापा उन्होंने बहुत शराब पी ली है। पीने दो। पापा वो नदी के पुल पर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं? जहाँ जी चाहे बैठे। पापा वो कह रहे थे बोतल खत्म होते ही मैं पानी में डूब कर जान दे दूंगा। मेरी बला से, तंग मत करो अब्दुल्ला। अरे रुक जा, अरे 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 मरने से पहले कोई वसीयत करना चाहते हो तो कर दो। खूब याद दिला। अरे भाई आपको मैं माफ कीजिए, मैं आपके अदब के लिए उठना तो चाहता हूँ। चलो यहाँ से, खुद भी तमाशा बने हो और दूसरों को भी तमाशा बनाए हुए हो। एक आखिरी इल्तिजा है, जाने वाले से एक बार गले मिल लीजिए। होश की बातें करो। होश? मैं होशी की तो बात कर रहा हूँ। यह प्रीत की रीत बदलो ना इसको, गले पहले मिलते हैं घर जाने वाले। अब बहुत हो गई, चलो अलविदा दोस्तों, सत्सर्या फिर मिलेंगे दोस्त। अब क्या हुआ? अब मुझसे नहीं चला जाता है। क्यों? दिल है तो उसमें दर्द है, जिगर है तो उसमें दाग है, और कलेजा है सो फूक रहा है। और दिमाग में क्या हो रहा है? दिमाग? दिमाग आपकी इस मुस्कुराहट को देखकर कह रहा है कि आपको मुझसे इश्क है। धत तेरी की, फिर वही एक आने वाली जगह पर आ गए ना। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है? हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। ओ मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना बना
करवट में दिल की हकीकत छुपाना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा रहती हो ऐसे मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे अदाशती के नजर शायराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना इन्हें कमरा नंबर 7 में ले जाओ। मैं अभी आती हूं। देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, इस मर्ज का इलाज बहुत मुश्किल है और कीमती भी। आप इसकी फिक्र न कीजिए, मैं सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ। आप इनकी पत्नी है ना? जी नहीं, मैं तो इन्हें सिर्फ उस दिन से ही जानती हूँ जिस दिन मेरी जान बचाते बचाते वो खुद इस मुसीबत में फंस गए। डॉक्टर साहब मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। अगर इसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ भी जाए तो शायद आजकल के वाकयात ये बिल्कुल भूल जाएगा। मेरा मतलब है कि ये आपको भी भूल जाएगा। मेरी भी यही प्रार्थना है। एक और बात डॉक्टर साहब, मैं आज के बाद यहाँ फिर नहीं आ सकूंगी, इसका इन्हें बहुत दुख होगा। आज तक मैं ही इनकी देखभाल करती आई हूँ और मेरे न होने से ही जरूर घबराएंगे। आप इन्हें संभाल लीजिएगा डॉक्टर साहब। मैं समझा नहीं, क्या आप फिर यहाँ कभी ना आएंगी? मेरी शादी हो चुकी है डॉक्टर साहब, और मैं शायद दुनिया को ये न समझा पाऊंगी कि जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। लेकिन तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पति, उन्हें तो खुद इस आदमी की मदद करनी चाहिए जिसने कबायलियों से तुम्हारी जान बचाई। मैं एक अनाथ हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पति और ससुर उन्हें तो मैं जानती भी नहीं। एक विनती और है, आप इन्हें जरूर समझा दीजिएगा कि मैं ब्याहता हूँ इसलिए वापस नहीं आ सकती। इन्हें किसी तरह काबू में रखिएगा और अच्छा कर दीजिएगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। Thank you.
डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इलाज के लिए कुछ रोज यहीं रहना होगा। मुझे यहीं रहना होगा? अब्दुल्ला भी तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम? मुझे अभी घर जाना है। इसी वक्त? इतने खुद का रस न बनो, मेरे घर वाले मेरी तरफ से कितने परेशान होंगे। तो फिर कब आओगे? मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगी। आशा बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहो, तुम्हारी इसी मुस्कुराहट ने मुझे अब तक जिंदा रखा है और मैं इसी के सहारे जीना चाहता हूं। मेरी तरफ देखो आशा, तुम मेरी सारी कायनात हो, मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तुम बसती हो, मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल है, मेरे दिल में सिर्फ एक तस्वीर है, मेरी रूह की गहराई में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, आशा आशा आशा। तुम्हें इसका अंदाजा है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम्ही को जानता हूं और तुम्ही से प्यार करता हूं। क्या आशा तुम उससे प्यार करती हो? इतना कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तुम उससे हमेशा इसी तरह प्यार करती रहोगी ना आशा? हमेशा इसी तरह। कभी भूलोगी तो नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप यही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। इंसान मोहब्बत के हाथों कितना मजबूर हो जाता है आशा। मैं ये मजबूरी खूब जानती हूँ, मुझे जाने दो। कल कितने बजे आओगी? 9 बजे। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहूंगा। मैंने कहा जरा प्यार दिखाना आशा, नहीं 15,000 रुपए वापस आए हैं। आशा अब नहीं आएगी, मैंने तुमसे कहा ना वो मजबूर है, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो तुम्हारी ही खातिर ये सब बातें तुम्हें पहले नहीं बता सकी। मैं ये कहता हूं कि वादी में चारों तरफ कबाली फैले हुए थे और ये लड़की, मैं कैसे मान लूं कि ये लड़की पवित्र है? मैं कहती हूं उसकी सास होकर के ये लड़की पवित्र है। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो? याद रखो, आशा को अपनाने से इनकार किया तो सारी दुनिया का किचल तुम्हारे पर पड़ेगा। लोग यही कहेंगे, लो वो डॉक्टर की बहू है जिसका कोई ठा ठिकाना नहीं है। लेकिन मैंने बहू को बहू मानने से कब इनकार किया है? मेरा मतलब है कि एक सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ, सो आपस की बात समझ बस कर। बस छोड़ो आपस की बातें, अब कुछ काम की बात कीजिए। बड़े भाई साहब सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आप क्या करना चाहिए। बहन जी, हम गरीबों ने और क्या कहना है सिवाय इसके कि जो बेटी हमें जान से प्यारी है वो आज हमारे लिए बोझ बन गई है, सो इसे अपनी दया का आसरा दीजिए और ले जाइए अपने घर। अच्छा तो लाला जी, डोली के लिए कल सवेरे का मुहूर्त कैसा रहेगा? लड़की आप ही की है डॉक्टर साहब। तो ये बात तय हुई कि कल सवेरे हम आएंगे और डोली में बहू को ले जाएंगे। खोज मजनू, तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम क्या करेंगे नाम जानकर आप खान साहब? खोज बिरादर, तुम करता क्या है, रहता किधर है? रहते थे किसी के दिल में, लेकिन अब वहां से भी निकाल दिए गए। बिरादर, जमाने में वफा किसी ने नहीं देखी, भूल जाओ उसको जो तुम्हें इस वक्त याद आ रही है, कहीं और दिल लगा लो। दिल लगा लूं उसे मैं कैसे भूलूं, जिसके सिवाय मुझे कुछ याद नहीं आता। अरे वो कौन सी लैला थी
जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर भाग गए। वल्ला कोई बहुत ही जालिम लड़की। खान साहब, उसे जालिम न कहो, वो मजबूर थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे पहले ना बता सकी, पहले ना बता सकी, पहले ना बता सकी। अब्दुल्ला कैसे है वो और उनका इलाज? इलाज शुरू ही कब हुआ था? वो तो चला गया। पापा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या, या तुमने उसे कुछ कह दिया था? बताओ पापा, बोलो ना। पापा, ये सोचने का वक्त नहीं, उठो चलो मेरे साथ, हम दोनों उसे ढूंढ निकालते हैं। अब्दुल्ला, मैं मजबूर हूँ, बेबस और बंधी हुई हूँ, तुम उसके दोस्त मेरे भाई बनकर जाओ, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जब मिले उनसे कहना आशा ने अपने मरे की कसम दी है, उसे इलाज जरूर करवाना पड़ेगा। जाओ अब्दुल्ला, जाओ जल्दी जाओ अब्दुल्ला, और जल्द उनकी खबर ले आना। इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। काशी से कुछ गरज थी ना काबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे मोहब्बत का रास्ता, देखा तुम्हारे दर को तो सर को झुका दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। दिल की लगी ने कर दिया दोनों को बेकरार, दोहरा के दास्ताने मोहब्बत फिर एक बार, मजनू हमें और आपको लैला बना दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। निकले तेरी तलाश में और खुद ही खो गए, कुछ बन पड़ी ना हमसे तो दीवाने हो गए। दीवानगी ने फिर तेरा कूचा दिखा दिया, जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। जलवों की भीख फेंकने वाले की खैर हो, पर्दा हटा के देखने वाले की खैर हो। बन के भिखारी इश्क ने दामन बिछा दिया,
जब कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। क्या हुआ मुझे शादी से बचा लो, मैं उनके साथ डोली में नहीं जाऊंगी। क्या बात हुई बेटी? ताया जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ताया जी मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। ताया जी मुझे बचा लो, ताया जी मुझे बचा लो। नहीं बेटी अब मैं तुझे नहीं बचा सकता क्योंकि तू अब शादीशुदा लड़की है। आप शादी को शादी कहते हैं ताया जी, और मुझे ऐसे भागन को दुल्हन जिसके ससुर और पति उसे घसीट कर कमरे में ले गए और वहां उसका हर गहना उतार लिया। एक लाजवंती से सोने का कंठा बेहतर है, ये उतार लो। तो घरों की लाज से कानों की दुबालियां ज्यादा कीमती है, ये भी उतार लो। जिस धर्म का नाम शादी है उससे ज्यादा पांव में पड़ी हुई झांसरे कहीं ऊंची है, इन्हें भी लूट लो। और फिर एक नई नवेली दुल्हन को तकदीर के हवाले करके भागो और अपनी जान बचाओ, इसे आप शादी कहते हैं ताया जी? उन जालिमों ने ये सलूक किया तेरे साथ और तूने मुझे अभी तक नहीं बताया? हाँ ताया जी, ये सब होने के बाद भी मैं खून का घूंट पीकर खामोश रही। मुझे अगर मालूम होता कि यही उठाई कीड़ा आज मेरे पवित्रता पर शक करेगा, किसी के सामने आपको भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ेगी, तो मैं उसी समय कह देती कि सिर्फ ब्याह मंडप में पहुंच जाने का नाम शादी नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो अपनी पत्नी की रक्षा न करे वो पति कैसा, जो अपनी बहू के बजाय उसके गहने लेकर भाग जाए वो ससुर कैसा, और फिर ताया जी कन्यादान किसने किया था और फेरे भी कब हुए थे? कन्यादान किसने किया था और फेरे कब हुए? जरूर डॉक्टर साहब जरूर। लो हमारी तरफ से अपने लागियों को दे दो। ठहरो, ये पैसे इनके वापस कर दो नहीं जान। ये तो वारने के पैसे हैं, इसे हम वापस किस मुंह से ले सकते हैं भाई साहब? जिस मुंह से आपने उड़ी में इस बेसहारा लड़की के तन से एक एक गहना उतरवा लिया था डॉक्टर साहब, उसी मुंह से ये अपने पैसे लीजिए, रास्ता नापिए। पिताजी ये हमारी सख्त बेइज्जती है। भाई साहब ये अचानक आपको क्या पागलपन सूझा है? वो पागलपन जिसका नाम सच है। चल रहा है, ये मेरी बदनसीबी तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ, मेरी ससुराल वाले इतने जलील और घटिया किस्म के आदमी है, ये बात तक करने की तमीज नहीं। काश के शादी से पहले मुझे इसका इल्म हो जाता। मैं कहता हूँ भाई साहब आप इस मामले में मत आइए। दफा हो जा दुनीचंद, मैं कहता हूँ मेरे सामने से, आज मैं कच्चा चबा जाऊंगा उसे जो मेरे सामने आया, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। हाँ तो डॉक्टर साहब अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपके लड़के की शादी इस लड़की से नहीं हुई तो? इस वक्त मैं इस झूठ और दगाबाजी को हरगिज नहीं मानूंगा। शास्त्री जी, जी जरा यहाँ आइए, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, इन्होंने ही मेरे बेटे की शादी करवाई थी। बोलिए पंडित जी, ये कहते हैं आपने शादी करवाई थी। जहाँ तक शास्त्रों का संबंध है शादी की रस्में पूरी नहीं हुई थी। क्यों, क्या कोई एकाध मंत्र बाकी रह गया था क्या? जी नहीं, शादी हुई ही नहीं थी क्योंकि ना फेरे लगा सके थे ना कन्यादान ही किया गया था। ये तो आपका कहना है, लेकिन दुनिया का क्या कहना है जानते हो? दुनिया का कहना है कि मेरे बेटे के साथ इन दो घटिया और कमीने इंसानों की भतीजी की शादी हो चुकी है। मुझे भी दुनिया के साथ समझिए डॉक्टर जी, आपके साथ। अपने बुजुर्गों की सारी नेक नामी मिट्टी में मिला रहा है अब आगे, और वो भी थोड़े से फायदे के लिए, जाके कहीं डूब मर। हाँ जी, ये शहर के दो विद्वान पंडित हैं, इनकी बात का जवाब दो। शादी की बड़ी बड़ी रस्में फेरे और कन्यादान में कुछ नहीं जानता हूँ।
मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आशा मेरी बीवी है और अगर वो डोली में बैठकर मेरे साथ नहीं गई तो मैं यह तबाही मचा दूंगा। भाई साहब, हम सब इतनी धूमधाम से अगर यहाँ डोली लेने आए हैं तो ऐसे तुम दबा कर थोड़ी भाग जाएंगे। बिल्कुल, ये क्या अंधेर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? दुनीचंद, दुनीचंद, ये शादी तुम्हारे कहने से की गई थी, इसलिए शराफत से आगे बढ़ो और बहू को डोली में बैठा दो। जरूर डॉक्टर जी, जरूर, अभी बिठाता हूँ। चल बेटी, पहले अपने भाई का खून कर ले, फिर हाथ लगाना मेरी बेटी को। हट जाइए भाई साहब, ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, पाप है। एक पाप तू भी कर ले मेरे अजीज, उठा लाठी और फोड़ दे अपने भाई का सर, देखता क्या है नीच, उठा फोड़ मेरा सर। ये नहीं फोड़ता है तो मैं फोड़ता हूँ। अब बोल, ये लड़की जाएगी या नहीं हमारे साथ? नहीं जाएगी। तुम जैसे कसाई हो अगर हमारी बेटी नहीं जाएगी, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, वरना ये जलील और बेगैरत डॉक्टर तो क्या, तुम सब लोगों को मौत के घाट से उतार दिया तब तूने। चल जाओ, समझे? आशा, मेरी बच्ची, अपने चाचा को माफ कर दे। चाचा को नहीं, पिता को। आज तूने इस यतीम बच्ची के पिता की जगह ले ली है दुनीचंद। सोमावंती, तू भी गले लगा अपनी बच्ची को, ये तेरी भी बेटी है। मेरी बच्ची, सुखी रहो मेरी बेटी। और जनाब, आज रात मौज करेंगे, चलो चलो चलो। गोजी लाला, तुम अकेला इधर क्या करते? बस बस यू ही। शेर खान, ये तो कुछ इसी किसी का चक्कर मालूम देता है। और गोजी लाला, अगर ऐसा बात है तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा दिल खुश कर देंगे। चलो 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 चलो। मैं तुमसे कहने आई थी कि मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारी शादी नहीं हुई? फेरे कन्यादान कुछ भी नहीं हुए, मैं आजाद हूँ। मेरी कसम आशा। हाँ तेरी कसम। ये लड़की कौन है? वो कोई बेचारी नाचने वाली है। और शायद तुम इस बेचारी को नाच सिखा रहे थे, यूं ऐसे, ये अदाएं, ये सब कुछ। बोलो। यकीन मानो आशा, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्हारी एक एक अदा पर जान देता हूँ। क्यों झूठ बोलते हो साहब? हम में वो अदाएं का जो उस नाचने वाली में थी। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकता। ठहरो आशा। तुम भी मुहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है? हाथ सीने पे रख के देखो, ना पूछो इसका सबूत क्या है? तुम्हें मुहब्बत है हमसे माना।
हाथ सीने पे रख के देखो ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे तुम्हारे होती तो जान लेते। जो आग सीने में है हमारे तुम्हारे होती तो जान लेते। बगैर कोई सबूत मांगे हमारी चाहत को मान लेते। तुम्हारी आँखों में काश होता हमारी आँखों में जो नशा है। हमारी आँखों में जो नशा है यही नशा। हाथ सीने पे रख के देखो ना पूछो इसका सबूत क्या है। सेवा है सुराह बदले या जाम बदले। हमें तो साथी सेवा सरता है सुराह बदले या जाम बदले। तेरे दीवाने कभी ना बदलेंगे चाहे सारा निजाम बदले। तेरे ही कदमों में जान देंगे ये दिल तुझे जब के दे दिया है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना। ओ लाला लो लो ला और तुम भी लो लो लाला ले तो समझ गया ना। गोजे साहब अब तुम आराम करो, आज शब को दुल्हन तुम्हारा घर में होएगा। वो खुश रहो खुश रहो लाले। अल्लाह चलता हम। ओ क्या बात है रे, अरे बोल तो। मैं कल उसे यहाँ ले आऊंगी। बजाओ, मजनू तूफान आ गया क्या? वो तुम्हारा लैला वापस आ गया क्या? आज मेरी जिंदगी वापस आ गई खान। बिरादर पर ये लैला है कौन, हमें भी तो बताओ जालिम उसका नाम क्या है? दुनिया में सबसे खूबसूरत नाम आशा। आशा आशा, हम भी एक आशा की डोली लेने जा रहा है आज शब को। अभी सुना है वहाँ झगड़ा होने वाला है, लड़की वाले डोली देने को तैयार नहीं है और दुल्हा वाले जबरदस्ती डोली लेने जा रहे हैं। कहाँ रहती है ये आशा? छतरबल दरिया के किनारे उसका मकान है। खान तुम मेरे दोस्त हो ना? वल्ला बोलो, आज तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है।
जाओ, इन दोनों बुट्ठों को उस कमरे में ले जाओ और वहां इनकी मरम्मत करो। डोली ले आओ, लाओ डोली, यहां रख दो। रंजीत जाओ, बाजे वालों से कहो कि खूब शहनाई ये बजाए, डोली ले जाने का अब वक्त आया है। जरूर जरूर रोक जाएंगे, अगर तुम चाहो तो ये खौफ और मातम की चीखें सुहाग के नगमों में बदल सकती। डॉक्टर साहब, आपका सामान है, उन्हें रोक दीजिए, हम उन्हें मार डालेंगे। ठहरो, क्यों, अब सब ठीक है ना? चलो अब आराम से डोली में बैठो और अपने घर चलो। नहीं, नहीं। रंजीत, अभी लड़की तैयार नहीं हुई। तुम्हें बचाने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, और उन्हें मौत से बचाने के लिए तुम कोई कुर्बानी नहीं दे सकती। उन्हें अब सिर्फ तुम ही बचा सकती हो आज। मुझे क्या करना होगा? डोली, सिर्फ डोली में बैठना होगा। चलो अब उन्हें रोको, उन्हें रोको, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, उन्हें रोको। तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। देख किस शान से आया है तेरा सौदाई, किस शान से आया है तेरा सौदाई, शोरबाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई, शोरबाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई, सारी दुनिया को तमाशाई बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला। घबरा तेरा घूंघट ना मैं उठने दूंगा, तू ना घबरा तेरा घूंघट ना मैं उठने दूंगा, जिंदगी चाहे लूटे प्यार ना लूटने दूंगा, जिंदगी चाहे लूटे प्यार ना लूट दिल के शीशे को मैं पत्थर का बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ।
फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया बात रह जाती है इंसान रहे या न रहे बात रह जाती है इंसान रहे या न रहे यार की आन रहे जान रहे या न रहे यार की आन रहे जान रहे यार के नाम पे मिटने को चला आया हूँ फिर वही इश्क तेरा फिर वही दिल लाया हूँ फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ आदमी इंस्पेक्टर साहब जिसने बैंड वाले का भेष बदल कर मेरी बीवी को भगा लिया था ये दुश्मन का जासूस है ये कबालियों से मिला हुआ है आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा नाम क्या है क्या नाम है तुम्हारा तुम कहां के रहने वाले हो ये बदमाश क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब ये तो कबाइलियों से मिला हुआ है मेरे सवाल का जवाब दो वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे संतरे इसे हवालात में बंद कर दो लेफ्टिनेंट अजय मेहरा को अपने कपड़ों पर कॉन्टिनेंटल टेलर्स बॉम्बे का छाप मिला जिससे उसे ये यकीन हो गया कि अगर वो बम्बई इस दुकान पर जाए तो उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मालूम हो सकता है वो पुलिस की कैद से भाग निकला और आशा को ये कहकर बम्बई की तरफ चल पड़ा कि वो अपना नाम और पता ढूँढ कर और अपनी बेगुनाही का सबूत साथ लाकर जल्द ही कश्मीर वापस आ जाएगा आप इस होटल का मैनेजर हैं जी यहाँ कॉन्टिनेंटल टेलर्स की दुकान थी पहले थी लेकिन उसकी जगह पर अब हमारा होटल है इसका नाम भी कॉन्टिनेंटल होटल है कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ ऐसे एनीवे थैंक यू कौन था सीएडी Thank you.
जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे हटो, अरे थोड़ा पानी तो लाओ, घर भी मत करो। अगर वो होश में आ गए तो हम सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी भी दिवाली या दशहरे वाली एक दिन की नहीं बल्कि पूरी छुट्टी। अगर वो नौजवान होश में आने से पहले ऊपर पहुंचा दिया जाए तो ग्रेट आइडिया बॉस। कैमरा ड्रॉअर में से निकालो। कैमरा? हाँ कैमरा। ये एक छोटा सा रिवॉल्वर है, इसे कैमरे में फिट कर दिया जाएगा। जब तुम बटन दबाओगे तो गोली भी चलेगी और उस नौजवान की आखिरी तस्वीर भी खिंच जाएगी। अब डाकू बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे। कमाल हो गया साहब, बंबई में दिन दिहाड़े बैंक का लूट जाना। जी साहब, ये तो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल से बैंक लूटी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उन दो आदमी क्या हुआ जो जख्मी हो गए थे? मर गए। इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? नहीं। वो आदमी जो अंदर जख्मी है उसके बयान से कुछ आपको मदद मिल सकती है? बहुत ज्यादा। होश आया? अभी तक नहीं। डॉक्टर से मिले थे? जी हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि चोट तो, एक्सक्यूज मी नर्स, होश में है? यस होश में। कुछ बातचीत की? अभी नहीं, एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर? यस डॉक्टर। आप अपना बयान ले सकते हैं। थैंक यू। आपको याद है आप सुबह जख्मी हो गए थे? जी। कैसे जख्मी हुए याद है? किसने जख्मी किया वो भी याद है? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो लोग आपके सामने आए, आप पहचान लेंगे? जरूर पहचान लूंगा। कौन थे वो? कौन थे वो? कबायली। जिन लोगों ने बैंक लूटा वो कबायली थे? बैंक? कौन सा बैंक? आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं? उन लोगों की जिन्होंने मुझे जख्मी किया। उन्हीं लोगों ने तो बैंक लूटा है। बैंक का कश्मीर फ्रंट से क्या वास्ता? कश्मीर फ्रंट? जी हाँ, मैं तो कश्मीर फ्रंट पे लड़ रहा था। आप पुलिस ऑफिसर? यस। ये कौन सी जगह है? सिविल हॉस्पिटल। लेकिन मुझे तो मिलिट्री हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप लोग मुझे यहाँ कैसे ले आए? मुझे हेडक्वार्टर्स पहुँचना है अभी, इसी वक्त। डॉक्टर साहब, ये तारीख ठीक है? ठीक है। और ये साल? साल भी ठीक है। लेकिन इस तो 1947 होना चाहिए था। नहीं, ये सन भी ठीक है। 1948, इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि मैं 6 महीने से बेहोश था। नहीं, आप आज सुबह बेहोश हो गए थे। कुछ डाकुओं ने आपको मार डालने की कोशिश की थी। डाकू? कौन सा डाकू? आपको याद नहीं? जी नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं। आपको अपना नाम याद है? ऑफ कोर्स डॉक्टर, लेफ्टिनेंट अजय, 5th पंजाब रेजिमेंट, हेडक्वार्टर श्रीनगर, कश्मीर। यस, दैट्स फाइन। ये कौन सा शहर है डॉक्टर साहब? बंबई। बॉम्बे?
क्या आप मेरे घर पर टेलीफोन करवा सकते हैं डॉक्टर साहब? आपका मकान बंबई में है? जी हाँ, मेहरा मैंशन, वुड हाउस रोड, मलाबार हिल। टेलीफोन नंबर 70917। लेकिन ये जायदाद मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए वकील साहब, ये जायदाद मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप खामखा फिक्र कर रहे हैं मिस्टर सुंदर, अजय अपनी जायदाद कश्मीर जाते वक्त आपके हवाले करके गया था ना? जी हाँ। गुड, और वहाँ लड़ाई में उसकी मौत हो गई। दिस वाज आल्सो गुड। लेकिन अब आपके पास उसकी मौत का कोई सबूत नहीं। दैट इज नॉट गुड। आई एग्री मिस। अब कानूनी पोजीशन यह है कि आप चुपचाप 7 बरस तक इस जायदाद से चिपके रहिए, उसके बाद ये खुद ब खुद आपकी हो जाएगी, जैसे मैं इनकी हो जाऊंगी। हेलो, मिस्टर सुंदर मेहरा है? जी हाँ, मैं सुंदर मेहरा बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट अजय एक्सीडेंट की वजह से आज सुबह बेहोश हो गए थे, लेकिन अब होश में। अजय बेहोश था, अभी होश में है? ये कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अजय तो मर चुका है इंस्पेक्टर। लेकिन जो आदमी जख्मी है वो कहता है कि उसका नाम लेफ्टिनेंट अजय है। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। मैं भी आता हूँ। आप तो कहते हैं कि मिस्टर अजय मर चुके। अगर मिस्टर अजय नहीं मरे तो समझ लीजिए ये मर गए। डॉक्टर तिवारी, लेफ्टिनेंट अजय का केस बड़ा अजीब और दिलचस्प है। आज से 6 महीने पहले 14 नवंबर 1947 को लेफ्टिनेंट अजय कश्मीर फ्रंट पर किसी लड़की को बचाते हुए जख्मी हो गए, जबकि इनके करीब एक बम गिरा था। बम के धमाके से इनके दिमाग को जो सदमा पहुंचा उससे ये अपनी पिछली सारी जिंदगी भूल गए, अपना नाम तक भूल गए। उसके बाद ये भटकते 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 बंबई पहुंचे। बंबई पहुंचकर दूसरा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट से इन्हें ये तो याद आ गया कि ये कौन है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि ये पिछले 6 महीने इन्होंने कहां गुजारे, किस तरह गुजारे, किसके साथ गुजारे। इन 6 महीनों को ये बिल्कुल भूल गए। बैंक के डाकू को भी भूल गए। एमिनेसिया का ये बड़ा अजीब केस है, और हो सकता है कि तीसरे किसी शौक से इन्हें ये भूले हुए 6 महीने भी याद आए। भैया, लेफ्टिनेंट अजय का इलाज घर पर ही होना चाहिए, बहुत परेशान है। मिलिट्री हॉस्पिटल के बजाय घर के एटमॉस्फेयर में जल्द रिकवर कर सकेंगे। देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं उनके लिए 2-3 महीने की छुट्टी का इंतजाम करवा सकता हूँ, उसके बाद वो अपने रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो डॉक्टर, आई फुल्ली एग्री विद यू, लेकिन जैसा आप भी जानते हैं, रोज का एक इंजेक्शन इलाज और 2 इंजेक्शन जान का खतरा। नर्स, सुना तुमने? सिर्फ एक इंजेक्शन, ज्यादा देना खतरनाक होगा। कल से तुम कितने इंजेक्शंस दोगी? सिर्फ 2। गुड। नर्स, इंजेक्शन देने के बाद मुझे कुछ नशा सा आ जाता है, कुछ नींद सी आने लगती है। बात यह है कि तुम अभी कमजोर हो और इंजेक्शंस बहुत ताकतवर है, इसीलिए ऐसा होता है। हो सकता है मिस्टर अजय इन 6 महीनों की हर बात भूल गया हो। ऑन द अदर हैंड, ये भी हो सकता है कि वो डाकुओं के खिलाफ गवाही देने से डरता हो। लेकिन एक बात पक्की है कि डाकू अजय को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुप्रिंट साहब, अजय ही एक ऐसा आदमी है जो उन्हें फांसी के तख्त तक पहुंचा सकता है। दैट्स राइट, इसीलिए हमें अजय की पूरी निगरानी करनी चाहिए। एंड इट फॉलोज, जो शख्स अजय को मारने की कोशिश करेगा वही हमारा बैंक का डाकू होगा, जिसकी हमें इतनी तलाश है। करेक्ट? यस सर। कोई भाना करे तो ऐसा, अजय मुझे बैंक में पहचानने के बाद सब कुछ भूल गया है। मुझे तो लगता है कि ये अफवाह पुलिस ने फैला दिया है ताकि हम अपने नेक इरादों से बाज आएं। समझ में नहीं आता कि उस मकान में जाएं तो कैसे जाएं। तुम वहां नहीं जा सकोगे प्यारे, लेकिन वहां कोई और जाएगा।
मसलन नवंबर 47 से लेकर बैंक के डाके तक जो कुछ हुआ है अजय सब कुछ भूल गया है ना? यस यस। तो फिर वो अपनी बीवी को भी भूल गया होगा। बीवी? यस माय डियर, बीवी, अजय की बीवी। पुलिस सबको जाने से रोक सकती है, लेकिन एक बीवी को उसके शौहर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बीवी बनाकर किसको भेजा जाए? तुम्हारी बीवी को। मेरी बीवी को? हाँ, तुम्हारी बीवी को। साहब, बाहर एक औरत आपसे मिलना चाहती है। औरत मुझसे मिलना चाहती है क्या? जी, वो कहती हैं वो आपकी बीवी है। जी हाँ, मैं उन्हें अंदर भेज देता हूँ। अजय, मैं हूँ कामनी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अजय, ये तुम्हें क्या हो गया है? घर से तो बिल्कुल ठीक चले थे। घर? हाँ, मेरा घर, तुम्हारा घर, हम दोनों का घर। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं हम कहाँ मिले थे? दिल्ली में, कैनॉट प्लेस पर। और फिर तुम उसे प्रेम करने लगे थे, मेरे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते थे। और फिर हमारी शादी हुई थी। उस रोज बहुत बारिश हो रही थी और धूप भी निकली हुई थी, तो तुमने कहा था आज सावन और भादो मिल रहे हैं। देखिए आप, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस वक्त, आप मुझे माफ कीजिए। अजय, अजय मैं कहाँ जाऊं? एक औरत अपने आदमी को छोड़ के कहाँ जा सकती है? आप चाहे तो यहीं रहिए, मगर इस वक्त मुझे परेशान न कीजिए, परेशान न कीजिए, परेशान न कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है? अगर इसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ भी जाए तो शायद आजकल के वाकयात ये बिल्कुल भूल जाएगा। मेरा मतलब है कि ये आपको भी भूल जाएगा। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। अजय, फिक्र मत करो, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यही हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानते। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहीं देखा है। जी नहीं, ये आपका वहम है। मगर आपकी सूरत, क्या वाकई मैंने आपको कभी नहीं देखा? कभी नहीं। तो फिर आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? आपसे। मुझे? क्यों? आपके लिए फूल लाई हूँ। मेरे लिए क्यों लाई है? लाई नहीं, किसी ने भेजे हैं। आपको ये फूल पसंद है ना? बहुत। मुझे कभी नहीं मिली कहीं? तुम्हारी आंखें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिमाग अंदर नहीं आ रहा। अजय, अजय क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। सुंदर भैया, वो लड़की को रोक लो। लड़की कौन? वो जो अभी अभी आई थी। इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। सर, मामला गंभीर होता जा रहा है। अब तो दो औरतें भी आ पहुंची। दो औरतें? जी हाँ, दो औरतें। उनमें से एक तो अपने आप को लेफ्टिनेंट अजय की बीवी कहती है। और दूसरी? और दूसरी की चाल अभी तक समझ नहीं आई। शलाई अरेस्ट करनी अपने? अभी किसी को गिरफ्तार न करो, मगर दोनों पर कड़ी निगरानी रखो। ओके सर, ओके। सीधाराम, उल्टाराम। हमने अखबार में आपकी फोटो देखी, हम बहुत खुश हो गए। खुश हो गए थे ना? हाँ, हम तो समझे कि आप इस दुनिया से, इस संसार से, यहाँ से कायदे ना मर गए थे। हम समझे आप एक्सपायर हो गए थे। यस, एक्सपायर हो गए थे। आपके बाद हमारा दिल टूट गया था, हमने फौज छोड़ दी। हाँ, फिर हम नगरी नगरी, पर्वत पर्वत, गली गली, कुछ कुछे, कोठे कोठे। ये मैं नहीं। अच्छा, तो फिर हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स बन गए। प्राइवेट डिटेक्टिव्स? हाँ, हाँ, प्राइवेट डिटेक्टिव्स। आप नहीं समझते? फर्ज कीजिए आपकी बीवी किसी के साथ भाग गई हो, किसी की बीवी आपके साथ भाग गई हो। हाँ, मेरा मतलब है कभी कोई ऐसा लफड़ा हो या ना हो तो हम लोग हमेशा हाजिर हैं। सीधाराम और उल्टाराम, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, एकदम प्राइवेट। टेलीफोन नंबर 00420, एकदम सीक्रेट लिमिटेड। अच्छा, आप दोनों आ गए, आइए बैठिए। फरमाइए लेफ्टिनेंट साहब। मैं एक अजीब उलझन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद करो। हाँ हाँ, जरूर बोलिए। मेरी बीवी ने मेरा मेंशन से फोन किया है कि वहाँ पोजीशन बहुत नाजुक है, वहाँ एक और लड़की भी आ पहुंची है। अब हमें जो कुछ भी करना है फौरन करना चाहिए, टाइम बहुत कम है। टाइम? टाइम मेरे हाथ में है अजय की मौत का। ये क्या? इसे टाइम बॉम्ब कहते हैं। ये किसी तरह भी मेरा मेंशन पहुंचना चाहिए, मगर सवाल यह है किस तरह। घबराइए नहीं लेफ्टिनेंट साहब, हम आपको एक एक घड़ी, एक एक पल का हिसाब निकाल के देंगे। सीताराम जी, किसी न किसी तरह लेफ्टिनेंट अजय साहब की पिछले 6 महीने की याद आनी चाहिए। डरो नहीं, हौसला रखो, मैं सब लफड़े ट्राई करूंगा। झाड़ फूट, जादू मंत्र, गंडा ताबीज, होम्योपैथी, एलोपैथी, आलूमेथी। आलूमेथी? आप लोग उनके इलाज के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ बहन जी, भाभी जी, वेरी गुड आइडिया। क्या हुआ? उल्टाराम जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल संगीत से पौधे फल उगाए जाते हैं और संगीत से दिमाग के मरीजों का इलाज भी किया जाता है। सीधाराम जी, क्या ये सच है? इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट, हम भी यही इलाज ट्राई करेंगे। होटल कॉन्टिनेंटल का बैंड बहुत अच्छा है, उसे क्यों ना बुलाया जाए? अनदर सुपर फाइन आइडिया, जो उसका मैनेजर है वो हमारे पहचान वाला है। वो कैसे? यू शट अप एंड फॉलो मी। बात यह है श्री मैनेजर साहब, हमारे एक परम प्रिय मित्र हैं श्री अजय कुमार। कुछ दिनों की बात है, वो एक बैंक से गुजर रहे थे, वहां अचानक एक भयानक डाकुओं का जत्था आ पहुंचा और उन लोगों ने बैंक पे हमला कर दिया और उनमें कुछ झांझोरी हो गई और भारत वर्ष का एक आदर्श नागरिक स्वर्गवास हो गया। धीरज रखो, किंतु वो डाकुओं के भागने से पहले हमारे परम प्रिय मित्र अजय कुमार ने डाकुओं के सरदार को झट पहचान लिया। जैसा मैंने आपको पहचान लिया। उसने किसी और को तो नहीं पहचाना? पहचान भी लेता तो क्या फायदा था, क्योंकि एक तरफ तो डाकू हवा हो गए और दूसरी तरफ हमारे मित्र की पिछली यादें भी हवा हो गई। इस वक्त तुम दोनों का आने का मतलब यहाँ क्या है? हम दोनों आपसे विनती करने आए हैं कि आप हमारे मित्र की पुरानी यादों को वापस लाने में हमारी मदद करें। हेल्प? वो कैसे? मैनेजर साहब, आप अपना विलायती बैंड बाजा लेकर अजय के घर पहुंच जाइए।
अगर भगवान की दया से आपका विलायती बैंड बाजा सुनकर उसको पिछली सब बातें याद आ गई तो डाकू क्या उसको डाकू का बाप भी याद आ जाएगा और वो झट उठ के कहेगा कि ये डाकू है। डाकू डाकू ठीक बैंड बाजा आएगा आएगा। जब कीदड़ की मौत आती है तो वह खुद ब खुद ही शहर की तरफ भागता है। बेवकूफ कहीं के बैंड बाजा मांगने आए थे। बैंड भी जाएगा बाजा भी जाएगा और टाइम बॉम्ब भी जाएगा। Yes।
खुद देख ले, मुझसे कह दूं तो फिर क्या मजा बात का, बात नजरों की है बात कुछ भी नहीं, जिसको दिल चाहे दुनिया में है वो हसीन, मेरी नजर हसीन है कि तू वो हसीन। ऐसा महसूस होता है कि ख्वाब सा देखा था, मालूम नहीं क्या, अब तक असरे ख्वाब है, मालूम नहीं क्यों। अगर आप चाहें तो ये ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। मैदान हमारे हाथ में है, फुलझड़ी 12 बजे छुटेगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ठीक 12 बजे रात। गुड, 12 o'clock midnight, वेरी गुड। डार्लिंग क्या बक रहा है? कुछ नहीं जाने मन, आज रात को मेरा मेंशन में एक छोटे से ड्रामे का आखिरी सीन होगा, एक धमाका और फिर पर्दा गिर जाएगा। तुम भी ना जाने क्या बक रहे हो। तुम्हारा गुलाम तुम्हें ये बता देना चाहता है, जाजा मेरे के घर में छोटा सा टाइम बॉम्ब रख दिया गया है, जिससे वो ऊपर पहुंच जाएगा, हम और तुम यहां अपना अपना स्वर्ग मनाएंगे। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। Thank you.
जो आनर, मैंने मिस आशा को उस वक्त तार किया जबकि वो मिस्टर अजय मेहरा के पलंग के नीचे टाइम बम रखने की कोशिश कर रही थी। मैं अजय मेहरा की बीवी हूँ। हमारी सिविल मैरिज दिल्ली में 5 महीने पहले हुई थी। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट मौजूद है। मेरे पति किसी जरूरी काम से बॉम्बे आए और उनका यहाँ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मुझे भूल गए। यह पहली बार मैंने आशा को देखा जब वो मेरे पति के लिए कुछ फूल लेकर आई थी और सिर्फ यही कह रही थी कि उसकी एक सहेली ने मेरे पति के लिए फूल भेजे। उसकी सारी बातें अजीब सी मालूम हुई, लेकिन मेरा शक उस रात यकीन में तब्दील हो गया जब पुलिस ने उसे टाइम बॉम्ब रखते हुए गिरफ्तार कर लिया। बस मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। और मुझसे कहा कि वो पुलिस की कैद से निकल भागे। इन्हें अपने कपड़ों पर कॉन्टिनेंटल टेलर्स बॉम्बे की छाप मिली थी और वो अपनी तलाश में बॉम्बे जा रहे थे। इन्होंने मुझसे कहा था, मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी राह देखती रही मगर तुम नहीं आए। एक दिन बैंक की डकैती के सिलसिले में छपी हुई तुम्हारी तस्वीर मैंने अखबार में देखी। उसके बाद जब तुम्हारा कोई खत नहीं आया तो मैं समझ गई कि कश्मीर वाले डॉक्टर की बात ठीक निकली। तुम्हें अपनी भूली हुई जिंदगी तो याद आ गई, लेकिन अब तुम मुझे भूल गए थे। मैं दुनिया जहां से लापरवाह होकर सीधी बंबई पहुंची इस ख्याल से कि तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हारी देखभाल कर सकूं और शायद इस तरह तुम्हें मेरी याद आ जाए। बस यही मेरी कहानी है। सरकारी गवाह मिस्टर अजय को पेश किया जाए। मिस आशा, प्लीज। मिस्टर अजय, मिस आशा के बयान के बारे में आपको कुछ कहना है? आपके मुतल्लिक मिस आशा ने जो बयान दिया है क्या यह सच है? अगर यह सच है कि मिस आशा आपसे मोहब्बत करती हैं तो इनके टाइम बम रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसकी कहानी को कहां तक सच समझते हैं इस पर गौर कीजिए, क्योंकि आपकी जरा सी लग्जिश इस लड़की को जेल भिजवा सकती है। जरा सी गलत हमदर्दी खुद आपकी जान भी ले सकती है। ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है मिस्टर अजय, क्योंकि कुछ लोग आपकी जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है ये लड़की उन्हीं की भिजवाई हुई हो। अगर आप इनकी बात को झूठ समझते हैं तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के जरिए बैंक डकैत का पता लगाया जा सकता है। और अगर आप इनके बयान सच समझते हैं कि ये आपकी जान बचाने के लिए ही टाइम बम ढूंढ रही थीं, तो गौर कीजिए। मैं नहीं जानता कि ये किस इरादे से मेरे कमरे में आई थी। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। आपके कहने का यह मतलब है कि आपको इनकी कहानी पर यकीन नहीं है? जी नहीं, मेरा ख्याल है इनकी कहानी सच नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और मेरी बीवी सामने बैठी हुई है। इंसान दुनिया की हर चीज भूल सकता है, मगर अपनी बीवी को नहीं भूल सकता, अपने घर को नहीं भूल सकता, उन चीजों को कभी नहीं भूल सकता जिन पर उसकी जिंदगी का दारोमदार है। मैं इस मुकदमे की कार्रवाई को 10 अगस्त तक मुलतवी करता हूं। मैं तो मर गया बॉस, ना जाने मेरी बीवी कामनी का क्या हाशिर होगा। मैंने अपने कानों से उस अजय बदमाश को कहते सुना है कि डार्लिंग, मुझे पहला हनीमून तो याद नहीं रहा, लेकिन हम जल्दी दूसरे हनीमून की तैयारी करेंगे। अच्छा,
मत बनो। ये तुम कैसे कह सकते हो कि अजय आज रात तक जिंदा भी रहेगा? ये जहर ले जाओ और अपनी बीवी के जरिए अजय को शराब में मिला के पिला दो। लेकिन मैं इस जहर को अपनी बीवी तक पहुंचाऊंगा कैसे? खुद जाओ और कह देना कि बीवी के बाप हो और अपनी बेटी से मिलने आए। लेकिन बॉस, मैं बाप की बजाय अपनी बीवी का बड़ा भाई बन जाऊं तो? शट अप, जाके बीवी के बाप बन। पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिंदगी की चंद घड़ियां यूं ही हंसी और खुशी में गुजार सके। जीते रहो तुम दोनों। कामनी बिटिया, जानती हो कि ये वक्त अजय के विस्की पीने का है, फौरन जाओ गिलास और बोतल लेकर आओ। कामिनी, दो गिलास, एक मेरे लिए और एक अपने पिताजी के लिए। आपस में क्या बातें हो रही थी? बड़े मजे की बातें हो रही थी पिताजी। कह रही थी कि मेरे गायब होने के बाद वो बहुत बोर हो गई और अगर मैं जल्द वापस ना आता तो फिर शायद वो किसी दूसरे नौजवान के साथ भाग जाती। क्या ये सच हो सकता है पिताजी? मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। गजब हो जाता, अगर कामिनी भाग जाती तो मैं जहर मिलाता इस बिस्किट के गिलास में और पी जाता। क्या मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ? डेफिनेटली। मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया आता हूं। थैंक यू, वेरी गुड ऑफ यू। कितनी खुशी हो रही है आज तुम्हें ड्रिंक पिलाते हुए डार्लिंग। महीनों के बाद भगवान ने ये दिन दिखाया है। भगवान तुमको ऐसे सैकड़ों दिन देखना नसीब करे, लेकिन इस खुशी में बाप को ना भूलना। पहले बुजुर्गों को चीज दी जाती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं गैर थोड़ा ही हूँ, मैं अपना विस्की का ग्लास खुद ही ले लेता हूँ। ए हैप्पी सेकंड हनीमून टू यू। मैं अपनी बीवी की हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला गिलास आप ही को दिया जाए। लेकिन मैं इसको बदतमीजी नहीं समझता। अब सब ठीक हो गया। चीयर्स। पिताजी, हमारे सेकंड हनीमून की खुशी में आप दिल खोल कर पीजिए। तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे तुम्हारी उम्मीदों की दुनिया लूट गई हो। डार्लिंग, सिर्फ एक गिलास टूट गया, एक और गिलास भर दो पिताजी को। माफ कीजिए, आप लोगों के लिए यह छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। एक मिलिट्री ऑफिसर जो मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं जानता हो, उसकी जिंदगी मौत से बदतर है। Certainly, certainly. तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? हेलो, अजय मेहरा स्पीकिंग। क्या आप कल तक इंतजार नहीं कर सकते? डार्लिंग, एक अखबार का रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है हमारे रीयूनियन के सिलसिले में। तुम्हारा फोन है, मैं अभी हाजिर हुआ। परफेक्टली ऑलराइट। हेलो, कामनी स्पीकिंग। मैं जानता था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो बेवकूफ तो वो। अब मैं तुम लोगों पर कुछ नहीं छोड़ सकता। उसे किसी न किसी बहाने कॉन्टिनेंटल होटल के कैबरे में लेके आओ और मैं उसका बंदोबस्त खुद करूंगा। क्या राय है, खाना लगवाने को कह दिया जाए? डार्लिंग, कहीं बाहर क्यों ना जाए? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन कहाँ चले? कॉन्टिनेंटल होटल, अव्वल होटल बहुत अच्छा है, दूसरे कैबरे डांसर का कोई जवाब नहीं। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है डार्लिंग, तुम्हारी अदाएं मेरी जान लेके ही रहेंगी। चलो चलें। तुम चलो, मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक हसीन कयामत की आंखों पर पट्टी बांध के भेज रहे हैं। जिससे भी इसकी टक्कर होगी उसे उसके साथ नाचना होगा। बेस्ट ऑफ लक। ला 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 ला
Thank you.
पिस्तौल भी एक अजीब खिलौना है। समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी चीज एक आदमी की जान कैसे ले सकती है। डार्लिंग एक बात तो बताओ, ऐसा खतरनाक खिलौना अपने बैग में क्यों रखती हो, और जब रखती हो तो डरती क्यों हो? क्यों आग लगाती फिरती हो जब गर्म हवा से डरती हो? दिल पहले जलाकर खाक किया, अब ठंडी सांसें भरती हो। डार्लिंग तुम डर गई। कोई शौहर अपनी प्यारी बीवी को शूट नहीं कर सकता, और वो भी हनीमून के जमाने में। तुम तो जानते हो कुछ लोग तुम्हें खून के प्यासे हैं। जब ही तो मैं तुम्हें ये रिवॉल्वर दे रहा हूँ कि तुम मेरी हिफाजत कर सको। बड़े भोले, अपने हाथ से अपने मौत का सामान दे दिया। मौत का सामान? कोई बीवी अपने शौहर को नहीं मार सकती। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ऐसा बेवकूफ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मेरा रिवॉल्वर मुझे लौटा रहा था, मुझे तरस आ रहा उस पर। बेचारे को इस वक्त मछलियाँ खा रही होंगी। मछलियों को ऐसा लजीज डिनर पहुंचाने के लिए मेरी मिसिस कामनी को इनाम मिलना चाहिए बॉस। जरूर कामनी, जरा मेरा रिवॉल्वर तो वापस कर देना। उस बेचारे पे कितनी गोलियां चलाई थी? तो ये काफी रही, वही ढेर हो गया और सीधा समंदर। तो अभी चार गोलियां बाकी हैं। अजय जैसे चार बेवकूफ और मारे जा सकते हैं जो कि दुश्मन के हाथ में रिवॉल्वर वापस कर देते हैं। लेकिन ये तो दूसरी बात है, अभी तो कामनी को इनाम मिलना चाहिए। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। इनाम मिलना चाहिए। उस बेचारे पे तरस आ गया था। मैंने तुम लोगों से हमेशा कहा है कि अपने दुश्मन को कभी इतना कमजोर नहीं समझो। अजय ने जब कोर्ट में कामनी को अपनी बीवी मान लिया था, तभी मैं पहचान गया था कि इसमें जरूर कोई चाल है। वो तुम्हें भी जान चुका था। उसने तुम्हारे रिवॉल्वर में से गोलियां निकालकर नकली गोलियां भर दी थी। वो जरूर पुलिस से मिला हुआ है। अब अजय और उसकी चाल, इधर हम और हमारी नजर। वाला आइडिया बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कई बार आजमा कर देखा है, मुजरिम के दिमाग में हमेशा यह खटका लगा रहता है कि मरने वाला कहीं बच ना गया हो, और यह शुबा उसे खुद ब खुद खींच लाता है सीधा हमारे हाथों में। इंस्पेक्टर, उस लड़की को ले जाने के लिए अदालत से इजाजत हासिल कर ली है? यस सर। वेरी गुड मिस आशा। आशा, मैंने जो अदालत में गुस्ताखी की, मैं उसकी माफी चाहता हूं। ये सच है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मगर मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हारा एक एक हरफ सही है। एसपी साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुजरिमों की गिरफ्तारी के सिलसिले में हमें आपकी मदद की जरूरत है। यकीन करो आशा, जो कुछ तुमने अदालत में कहा उस पर मुझे एतबार ही नहीं बल्कि यकीन है। काश मुझे सब कुछ याद आ जाता। इंस्पेक्टर साहब, क्या इस मदद के सिलसिले में मुझे इनकी बातों का भी यकीन करना पड़ेगा? क्योंकि इनकी बातों की ही वजह से आज मैं जेल में हूँ, और न जाने इनकी बातें क्या क्या रंग लाने वाली हैं। देखिए मिस आशा, ये काम आपके लिए थोड़ा खतरनाक है, लेकिन हमें यकीन है कि इस चाल से हम बैंक रॉबर्स को पकड़ लेंगे और मिस्टर अजय की जान का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये काम करना कुछ जरूरी नहीं, लेकिन हम आपको मजबूर भी नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में मिस्टर अजय के लिए कोई हमदर्दी नहीं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी अपनी अदा है इंस्पेक्टर, कोई अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को जेल भेजने के लिए तैयार है, और कोई दूसरे को खतरे से बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। जादू की करामात, आज रात को अजय मेहरा की रूह स्टेज पर बुलाई जाएगी। बिल्कुल अनाड़ी, बिल्कुल। अजय मेहरा अपनी रूह का पाठ खुद अदा करेगा। उनका ख्याल है जो भी बेवकूफ वहां आकर
रू को मारने की कोशिश करेगा वही बैंक डिकॉयट होगा, समझे? हम वहां जाएंगे लेकिन हमारी चाल और होगी, वो अपना ड्रामा खेलेंगे और हम अपना ड्रामा खेलेंगे। हाँ तो मेहरबान कदरदान, आज की रात जादू की रात, रूहों से मुलाकात, अनहोनी बात को होनी करने वाले, आदमी को मुर्गा, मुर्गे को मुर्ग मसलम बनाने वाले, काल की खाल निकालने वाले, दुनिया के मशहूर जादूगर प्रोफेसर गोन पाशा। ओ प्रोफेसर गोन पाशा। भाई गोल पाशा। हाँ गोल पाशा। अब किसी इंसान को बुलाओगे? नहीं नहीं, हम इंसान को नहीं बुलाएगा। तो फिर क्या करोगे? हम मुर्दे को जिंदा करेगा। मुर्दे को जिंदा करेगा? हाँ, हम उसी को जिंदा करेगा जिसको जालिमों ने कल कत्ल कर दिया, वो नामुराद नौजवान, यानी अजय, यानी कि उसका भूत। अपनी चोंच बंद रखो मोल पाशा और मेरा वक्त जाया ना करो। देखते नहीं हो अजय मेहरा की रूह को देखने के लिए यहाँ बहुत से शरीफ, इज्जतदार और भले नौजवान बेकरार हैं। साहेबान, भाइयों और बहनों, सिर्फ काके दी मानू छटके। आज तक आपने जिंदा एक्टरों के खेल देखे हैं, आज आप एक मुर्दा इंसान की रूह का तमाशा देखिए। डरिए नहीं, ये सब इश्क के करामात हैं। इस तमाशे का नाम है ज़बाने यार मंतुर्की, व मंतुर्की नमी दानम। क्या मतलब? यू इडियट भांजो। थैंक यू। माफ करना, इसका मतलब है मेरे यार की जबान तुर्की है और मुझे तुर्की नहीं आती। एक बात पूछू गोल पाशा? बको। अगर रू ना आई तो पब्लिक के दाम वापिस? नहीं मोल पाशा, मुझे आशा है रू क्या रू का बाप भी आएगा। आशा? तुम्हारी आशा? मेरी आशा नहीं, अजय की आशा। हाँ। हम अपने जादू के जोर से उसे यहाँ बुलाएंगे। हाँ। ये वो लड़की है जो अजय से प्यार करती है। हाँ। वो अपने प्यार के जोर से अजय की रूह को यहाँ बुलाएगी। बोल पाशा साहब, आपके पास क्या सबूत है कि अजय मेहरा की रूह आएगी? हो सकता है कोई एक्टर हो। साहिबान, ये मेरे हाथ में क्या है? पिस्तौल। अगर आप में से किसी को जरा भी शक हो तो वो यहाँ आके निशाना लगाए, अजय की रूह सामने ही नाचती होगी। अगर रूह होगी तो नहीं मरेगी, एक्टर होगा तो मर जाएगा। तेरी तलाश मुझको लाई कहाँ कहाँ से, सुन ले मेरा फसाना, अब तो मेरी जुबान से। मैंने वहीं वहीं पर सजदे किए हैं तुझको, जुल्फों को तूड़ाती गुजरी जहां जहां से। ईरान हमने देखा, देखा है चीन हमने, लेकिन कहीं न देखा तुझसा हसीन हमने। कोई भी जप न पाया तेरे मुकाबले का, आवाज तुझको दी है ओ नाजनीन हमने। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। जो
जबानी यार मन तुर्की ममन तुर्की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबानी यार मन तुर्की ममन तुर्की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबानी यार मन तुर्की वफा हसीना हाथों में हाथ ले ले काम आएगा ये तेरे दीवाना साथ ले ले दीवाना कोई मुझसा तुझको नहीं मिलेगा चाहे तो एक नजर में कुल कायनात ले ले ओ यार जुल्फों वाले दिलदार जुल्फों वाले जुल्फों ने मुझको मारा खमदार जुल्फों वाले खमदार जुल्फों वाले जबाने यार मंतुर की व मंतुर की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबाने यार मंतुर की व मंतुर की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबाने यार मंतुर की में हर कदम पर गिर कर तेरा संभलना बल खाना बांकपन से जुल्फों का ये मचलना मैं तो हर एक अदा को आंखों से चूम लूंगा दुनिया बहुत बुरी है दुनिया से बच के चलना ओ यार जुल्फों वाले दिलदार जुल्फों वाले जुल्फों ने मुझको मारा खमदार जुल्फों वाले खमदार जुल्फों वाले जबाने यार मंतुर की व मंतुर की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबाने यार मंतुर की व मंतुर की नमी दानम नमी दानम नमी दानम नमी दानम जबाने यार मंतुर की Oh, 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 oh.
फौरन। अब मेरे लिए यहां से लौटना नामुमकिन है। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुम पर पूरा अख्तियार है। आशा आशा, मुझे सब कुछ याद आ गया। आशा बेटा अब्दुल्ला, ये क्या कहता है, है? ये कहता है अजय और आशा की शादी हो गई। हैप्पी फुल कांग्रेचुलेशन।